भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में पासर्वर्ती यानी लेटरल एंट्री। कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय ने हाल ही में सरकार के अलग अलग विभागों के लिए संयुक्त सचिव के 10 पदों का विज्ञापन दिया है। ये पद पासर्वर्ती प्रक्रिया से भरे जाएंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा में एवं क्लास वन सेवाओं के क्षेत्रों को विशेषज्ञों को लिए खोल देने का ये कदम स्वागत योग्य है। सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा में सफल अभ्यर्थियों को केवल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर नहीं बल्कि 3 महीने के मसूरी प्रशिक्षण एवं अन्य अकादमिक प्रशिक्षणों के प्रदर्शन के आधार पर रैंक और वरीयता देने पर विचार कर रही है। इससे निश्चित रूप में एक जवाबदेही नौकरशाही के निर्माण में मदद मिलेगी। इसके पीछे एक और तर्क दिया जा रहा है कि ऐसा करने से अभी तक अंकों के आधार पर विभाग तय करने की परंपरा के विरुद्ध अभ्यर्थी के कौशल के अनुरूप विभाग दिया जा सकेगा। इससे सरकार की कार्यक्षमता ठोस होती जाएगी। प्रशिक्षण के बाद विभाग नियुक्त किए जाने के विरुद्ध तर्क दिया जा रहा है कि प्रशिक्षण अकादमी में देश के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं के कौशल का निर्णय करने के लिए क्या श्रेष्ठ शिक्षक होंगे। इस पक्ष को देश के विभिन्न संस्थानों में कार्यरत शीर्ष शिक्षकों की नियुक्ति से सुलझाया जाएगा या फिर प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षार्थियों को किसी भी 3 वर्ष पुराने IIM में भेजकर उनका प्रशिक्षण करवाया जाएगा। सरकार के कामकाज में प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वरिष्ठ नौकरशाह प्रबंधन की नीतियां तक ही उनका उत्तरदायित्व लेते हैं। जहां कार्यान्वयन की बात आती है वे इसे अपने कनिष्ठ अधिकारियों पर डाल देते हैं। इससे योजना में त्रुटियों का ठीकरा कनिष्ठ अधिकारियों के सिर फूटता है। IIM बेंगलुरु ने सरकारी कामकाज में प्रबंधन की सही जानकारी की जरूरत को समझते हुए सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र को आमंत्रित किया था परंतु सरकार विभाग में निष्क्रियता रही। इसे संभव बनाने के लिए अधिकारियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सरकारी प्रबंधन या सार्वजनिक नीति प्रबंधन को प्रबंधन संस्थानों में निचले दर्जे का माना जाता है परंतु कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट्स इस कार्यक्रम के लिए विश्व के अनेक भागों में नौकरशाहों को आकर्षित करता रहा है। मुख्यतः विकासशील देशों के लिए ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन देशों के द्वारा इनकी फीस के लिए आनाकानी करने पर फोर्ड फाउंडेशन और यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट इसकी भरपाई करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे नौकरशाहों के लिए प्रबंधन सीखने के कई अवसर उपलब्ध हैं। उन्हें आगे बढ़ने की जरूरत है। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं देश की सर्वोत्कृष्ट प्रतिभाओं को आकर्षित करने के पीछे होती जा रही है। अतः सरकार के पास भी यही उपाय बचता है कि सिंगापुर की तर्ज पर सरकार देश के श्रेष्ठ प्रबंधकों को विश्व स्तरीय भुगतान कर अपने यहाँ भर्ती करे और सरकार यही करने जा रही है। अगर हम RBI गवर्नर के रूप में शिकागो विश्वविद्यालय में बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर रघुरमन राजन की नियुक्ति करने में सक्षम हैं तो वह विश्व स्तरीय चयन प्रक्रिया के द्वारा अपना वित्त सचिव क्यों नहीं चुन सकती।